ये लीजिए सरकार, 13 ठोक गाड़ी घोड़ा का मालवा। आज का कोटा फुल। कहबत है लालच बुरी बला। क्या? लालच बुरी बला। बस तोहरा भाभी मेयर बन जाए, हमरा कहाँ भरोसा। सीबीआई पीछे पड़ गए, कहीं अंदर कर दे। अरे कैसे अंदर कर दे बाप को, पावर बा तो आपके हाथ में है राजवा। हाँ है हमारे पास पावर है, मगर आजकल देखत नहीं, आजकल कोर्ट कचहरी पॉलिटिशियन सब पीछे पड़ गए। भाभी जी तो मेरे बनिए गई है, सरकार बनिए गई है। कहबत है पानी में मछली और नौ नौ कुटिया हिस्सा। बात और नहीं है, सिचुएशन ऐ है, ओ खड़े स्वरी का वोट। राम बाण बा सरकार, ओकरा कोई काट नहीं है। काट है बबुआ, काट है, जरूर काट है। जो केले के पात पात में पात, क्यों मानुष के बात बात में बात। अब आप हुक्म कीजिए हुजूर, 10-20 ठो देसी बम्बा फोड़ के आप कहे तो दीपावली मना दे। सोचने दे। डर भय दहशत के चाबुक से सब लोग क्राम क्राम करते हैं। कहबित है प्यार और लड़ाई में सब ठीक है। ठीक है कि नहीं? फोन वा पकड़ 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 ये पकड़। आ फोन वा निकालते हैं, ये हरा बटन दबा का। हेलो, के सीबीआई हमारे घर पे छापा मारे से? अरे नहीं मुन्नी माई, नहीं। अरे हम फरार कहा होंगे फरार? अरे हम मर्द का बच्चा हूँ, हम है टीबी तिवारी, हमरे पास है लाठी। हाँ कहबत है जान जाए पर आन ना जाए। तुम घबराओ नहीं, हम अभय वकील बाबू को फोन करत है एंटीसिपेटी बेल के लिए। ठीक है? खड़े छोरी मासी जिंदाबाद, खड़े छोरी मासी जिंदाबाद, खड़े छोरी नहीं जिंदाबाद। वेलकम टू अवर स्टेट इंस्पेक्टर भारत। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वैसे तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। इंस्पेक्टर भारत, ये आज शहर, कल राज्य, परसों देश, ये किन्नरों की एकता इस प्रशासन का मजाक उड़ा कर रख देगी। आप इत्मीनान रखें सर, इससे पहले खड़ेश्वरी देवी के किडनैपर्स पकड़े जाएंगे। नगर निगम के चुनाव में 20 सीटें सत्ता पक्ष को मिली तो 20 सीटें विपक्ष को। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में किन्नर खड़ेश्वरी देवी ने मैदान मार लिया है। मेयर पद के लिए अब 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऑपोजिशन ने दलित उम्मीदवार चूहड़ राम को और रूलिंग पार्टी ने सवर्ण उम्मीदवार श्रीमती टीवी तिवारी को खड़ा किया है। ये टीवी तिवारी, ये श्रीमती टीवी तिवारी उसी एमएलए टीवी तिवारी की पत्नी है ना, जो सड़क सामग्री घोटाले में अंदर है। यस, नगर सेविका खड़ेश्वरी देवी का वो एक वोट पद के खजाने की वो कुंजी है जो किसी को भी मेयर की कुर्सी पर बिठा सकता है। शक की उंगली दोनों तरफ उठती है सर। हमने किन्नर प्रतिनिधि मंडल से 48 घंटे का समय मांगा है और इसी 48 घंटे के अंदर हमें अपराधी का पता लगाना है। By the grace of God सर, ये केस 48 घंटों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मुझे खड़ेश्वरी देवी से संबंधित सारे कागजात चाहिए। ये रही वो फाइल। इसका कोई
सगा या चश्मदीद गवाह है? उसकी मानस पुत्री जिसका नाम लव, लव से लवली बेबी कहती। आप हमसे क्या बात करना चाहती? क्या करेगी करेगी लगा रखा तूने, बात करने की तमीज नहीं तुमको? अरे खरेश्वरी मौसी को जो लोग उठा के ले गए उनको तमीज नहीं सिखाती, बस हमको ही तमीज सिखाती है? देखो लवली बेबी, खरेश्वरी मौसी को जिन लोगों ने अगवा किया है उन्हें हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे, उन्हें सजा मिलेगी। मिलेगी ना, बराबर मिलेगी ना। अब तुम मुझे ये बताओ लवली बेबी कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, डिटेल में बताओ मुझे। इंस्पेक्टर साहब, उस रात को रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो प्रभु रामचंद्र महाराज की जय। अनगिनत राम कथाओं में से एक कथा यह भी है कि लंका विजय के पश्चात श्री रामचंद्र ने अपने दल बल के साथ अयोध्या प्रस्थान किया। अयोध्या सीमा पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि कुछ बूढ़े जर्जर लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर कि आप लोग कौन हैं और यहाँ हाथ जोड़े क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम आपके 14 सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वनवास जाते समय प्रभु आपने कहा था कि समस्त नर नारी अयोध्या वापस चले जाएं, लेकिन प्रभु हम तो न नर हैं न नारी, हम तो किन्नर हैं। तब से आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा में हम यहाँ 14 सालों से खड़े हैं। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। महाराज आज्ञा देना। तुम सब बैठो कथा सुनो। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। खरेश्वरी मौसी का वादा है कि हमारे शहर की सड़कें हीरोइन के गाल की तरह चमकेगी। आपके घरों में बिजली माथे की लाल बिंदी की तरह दमकेगी और आपके घर के नलों में नहर की तरह पानी बहेगा। खड़ेश्वरी देवी 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 खड़ेश्वरी देवी। अरे पॉलिटिक्स चलता है, पॉलिटिक्स। हाँ चिंता है हमको, चिंता है। साला छट्टी का दूध याद नहीं दिला दिया तो हमारा नाम बदल देना, समझा? तुम लोग जाओ रे, जाओ तुम लोग, बैठा उसको। अरे तुम लोग जाओ रे, जाओ जाओ। अरे 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 तो उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? किया था ना, हमने 100 हाथ दूर जाके टेलीफोन किया। तुम लोगों ने रास्ते में किसी आदमी को या किसी वाहन को रोककर कुछ पूछने की कोशिश नहीं करी? की थी ना, जब मौसी की सेक्रेटरी फोन कर रही थी तो हमने जाके एक लाल बत्ती वाली गाड़ी को रोका, मगर वो रुकी नहीं, चली गई, इसलिए हमने उसके आते हुए पीछे ट्रक को रोक लिया। ट्रक में बैठे हुए आदमी ने तुम्हें कुछ बताया? बताया था ना, वो बोली हमको आलतू फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, हमको जेल जाने में देर हो रही है, चली गई। उस टेम्पो में क्या था लवली बेबी? उस ट्रक में खाने पीने का सामान था, सेब टमाटर मूली गाजर कद्दू बड़े। बस बस अब तुम जाओ लवली बेबी, हमें अपना काम करने दो।
इंस्पेक्टर साहब बजाती जी तो तमीज सीख के आती। हाँ एक तार बाबू का बच्चा किन्नर पैदा होता है। तार बाबू दुनिया से इस बात को 15 साल तक छुपा के रखता है। भेद खुलने पर किन्नर समुदाय बच्चे को अपने साथ ले जाता है और 30 साल बाद वो बच्चा नगर का वार्ड काउंसलर चुना जाता है। वेरी स्ट्रेंज सर। लाइफ इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन श्रीवास्तव। यू आर राइट सर। लेकिन हमारा अगला कदम क्या होगा? सब हम लोग अंदर वाली बनेगी सर। मुझे लगता है कि संगत का असर हो रही है। हजूर। हवलदार जी सर। किन्हें पकड़ के ला रहे हो? नन्हे मियाँ सरकार, नन्हे मियाँ। मोटे मियाँ हजूर, मोटे मियाँ, मोटे मियाँ। साहेब मजिस्ट्रेट चेक में पकड़े गए हैं, बिना टिकट आते यात्रा कर रहे थे। अच्छा तो लगा दो ससरीके को काम पर। हजूर भाई बाप, भाई बाप, तरत गए। हजूर भाई बाप। साहब मुखबिर नंबर एक। एक और एक 11। जेल के क्या हाल हैं भाई? बहुत ही खराब हाल है साहब। पैरक भी तिवारी एंड ग्रुप के कब्जे में है, एक चिड़िया तक अंदर नहीं जा सकती। जेलर क्या बोलता है? राज्य में जातिवाद जिंदा है अभी भी, और जेलर तिवारी का जात भाई है, और उस पर चांदी के जूते की मार है। कितनी विचित्र बात है। बस स्टॉप पे दलाली करने वाला एक हिस्ट्री शीटर जनता ने एमएलए बना दिया। हा हा हा, मिस्टर टीवी तिवारी, धन्य हो, धन्य हो। एक बात बताऊं नंबर 1? हाँ सर। राजनीति शास्त्र में जनतंत्र को मूर्खों की जमात कहा जाता है जी? अब 2 दिन की रिमांड के बाद आज वो जेल आ रहा है। जयशंकर प्रसाद बहुत पहले लिख गए थे सर कि जब वीरता भागती है तो उसके पांव के नीचे से राजनीति के छल प्रपंच की धूल उठती है। टीवी तिवारी जिंदाबाद, 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 सहो बुड़बक। दया है माई बाप। हम है टीबी तिवारी। का है हमारे पास लाठी। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। का है तो हम है टीबी तिवारी, तोहरे भाई तिवारी। कहबत है मरद की लाठी पिच्चे कपार। आइए आइए बैठिए,
क्राम क्राम माई बाप क्राम 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 क्राम। सर वो कल आपकी साली जी की बेटी जी एक गाड़ी पसंद करके ले गई और बोली बिल के लिए। ठीक तरह दबा दबा ठीक तरह बुड़बा कहीं का। हाँ हाँ मालूम बा, कितना बिल हुआ? सर वो 3 लाख रुपए है सर, लेकिन वो एक्सेसरीज ऑन द हाउस है सर। ए चिकवा जी सरकार, कहाँ मर गया रे? आपके पीछे ही तो खड़े हैं सरकार। तनिक भाई तो निकाल लिया सरकार। वो कार्तिक में जो हम लोग बड़का मैदान में जो जाति तोड़ो महारेला किए थे ना। जी सरकार। उसमें सीता मोटर्स से चंदा कितना आ रहा? एक को ठो पैसा नहीं दिया सरकार, एक को ठो पैसा नहीं दिया। अच्छा एक को ठो पैसा नहीं, ठीक है तो 6 लाख के चंदा की रसीद काट दे सीता मोटर्स के नाम। सरकार में वो गाड़ी की पेमेंट लेने नहीं आया, वो तो सीता मोटर्स की तरफ से आपको गिफ्ट है सर। गर्वित है, जितना बड़ा जूता उतना ही पालिश लगी, समझा के नहीं? जी सरकार। चिकवा चंदा का पेमेंट लेके इनका पेमेंट दे दो। अभी लो सरकार, चलिए। हाँ चलिए चलते हैं सरकार। भंडारा लगा हुआ। हाँ सरकार। तरीक भोजन पाक के जाइए। हाँ सरकार। जाइए। राम राम तिवारी जी। राम राम। का हो यलगार सेना के नजाकत अली, हमरे मुंगेर गन फैक्ट्री के गन के कैसे खपत हुई? अब का बताएं तिवारी जी, यलगार सेना का फंड गड़बड़ा गया है। परेशानी की कोनो बात नहीं, नहीं है परेशानी की बात। 2-3 ठो बैंक लूट लो, 5-10 ट्रेन की डकैती, 8-10 बस की डकैती, और वो भी नहीं तो किसी धन्ना सेट को उठा लो। पैसे उठा ले तिवारी जी, ये खड़ेश्वरी की वजह से पूरा पुलिस चौकन्ना हो गई है। तो चैनपुरा में नरसंहार करवा दो। हिंदू गांव बा तंगा भड़क जाए, पुलिस का ध्यान बढ़ जाएगा, समझे? वाकई सहबित है, बिल्ली की लड़ाई में फायदा बानर का होता है। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा तिवारी जी, क्राम क्राम। हेलो क्राम क्राम, बोला क्या? क्या कहा था? वो खड़ेश्वरी के चक्कर में पुलिस हमारे ठिकाने पे चक्कर लगा रही है। लगावे लगावे चक्का, कोनो बात नहीं कोनो बात नहीं। कहबत है चराग तले अंधेरा। ठीक है का नहीं? और सुनो, ओ चुहर राम के ग्रुप का है का हाल बा? हाँ हाँ पुलिस जी पूछताछ कर रहे हैं। ओ ठीक है, वाह वाह वाह, खोजने दो वाह खोजने दो। क्राम क्राम। हरिया कौन बटन बा? सरकार ये लाल बटन है ना, एक दबाई दो। ठीक है मालूम बा, भंडारा रेडी बा सरकार। चलिए 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 सरकार। आइए आप लोग भी आइए। नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तेरे को, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तेरे तरह हमारे भाई बस को। युवा मारे मारे हमारे सरकार का हाथ उठाता है, मारिए। मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। अरे टुकड़ टुकड़ काहे देखते हो? ये पागल के सलने मत कर दो, 4 दिन में होश ठिकाना आ जाए। चलो अब भैया इधर आ, तनिक इधर आ। बहुत बहादुर हो,
का नाम है तोरा? ना जी, इसको नन्हे मियां कहते हैं सरकार। बेटिकट चुपचुप गाड़ी में पकड़े गए थे सरकार। चुपचुप गाड़ी में कहा है घुमत हो भैया, उड़न खटोलों में घुमा करो। अच्छा ये बताओ काम क्या करते हो? मालिश करते हैं सरकार, मालिश। बहुत काम का आदमी हो भैया, बहुत काम। क्यों मिलेंगे मिलेंगे, चल बात चकवा चलता। अन्ना मिया, छुक छुक गाड़ी वाले बिना टिकट के? जी सरकार। अरे आ जाओ जाओ, हमारे पास टिकट की कोई जरूरत नहीं। तरी अपने हुनर का जलवा दिखाओ। अरे सरकार, ऐसा जलवा दिखाएंगे ना सरकार, ऐसा जलवा दिखाएंगे ना सरकार कि आग ना दंग रह जाओ। ये देखिए सरकार, ये और इतना मरत रहो का? अरे मालिश वाले, ताड़ी उतारने वाले, बाल कटे वाले, भैंसे चराने वाले, घोंगा चुलने वाले, सब के सब हमार भाई भगवान है बा, भाई भगवान। माई बाप, माई बाप, माई बाप। तोरा मालिक से मालिक, मालिक खुश, बहुत खुश। मालिक का दिल बाग बाग होएगा वा, खुश होएगा वा। अजी अजी सरकार, आए तारे कितनी, आए तारे कितनी, आए क्या करो तू? आए सरकार जी, देखो ये देखो, ठंडा लग रहा है। अब तो हम कह रहे हैं हमारे साथ ही रहियो, हमार परछाई की तरह। बस बस सरकार, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं सरकार। पूछा पूछा सरकार, ये क्राम क्राम का होता है सरकार? क्राम क्राम बड़बक कहके। शुक्रिया सरकार। काम क्राम माने काम तमाम, ऊपर से छे कम। अरे रे 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 सरकार, सरकार मालिक है। अरे 8 बज गए वाका। अरे भैया वो रिमोट कंट्रोल किया, और टीवी में समाचार आवत है। जी जी, अभी अभी समाचार मिला है कि श्री चौहान राम ने मेयर की पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया है। वे हरेश्वरी देवी के पक्ष में बैठ गए हैं, हरेश्वरी देवी का मेयर बनना तय है। उधर पुलिस प्रवक्ता का दावा है कि 48 घंटे के अंदर हरेश्वरी देवी के अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा लेगी। ये लाल बटन, नन्हे मियाँ। जी सरकार। जाइए, बहुत मालिश हो गए, जाइए। बहुत अच्छे सरकार, बहुत अच्छे सरकार। मालिक है आप, मालिक सरकार, मालिक आप, मालिक। बोलिए सरकार। अगर टी बी तिवारी ने मौसी को उठवाया है मोटे मियां, तो आज रात को हंगामा है। तो राजनीति उथल पुथल की वजह से ये टोटल समीकरण जो है बदल सा गया। बैरक में फोन आएंगे, बैरक से बाहर फोन जाएंगे। मोटे मियां तनिक रेडियो रिसीवर तो ऑन करो। इस
टीवी तिवारी तो बहुत चालाक निकला सर। कहा कहता है भाई? ये ससुर म्यूजिक इतना तेज लगा कि बाकी सारी आवाजें दब गई है। अतः ये बात है तो ठीक है, ये करे को म्यूजिक सुन लिया तो हम तनिक एक ठो बैरक के चक्कर लगा के आए थे। पानी, पानी, मौसी, बेचारी, बेचारी का पानी कई दिन में उतर गया। अरे चिकुआ जी सरकार, मौसी को तनिक जलपान करा दे रे। चल जी सरकार। जलपान कर लो खड़ेश्वरी मौसी, लो 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 लो। प्रभु कहीं का मौसी, तोरा के चिल्ड मिनरल वाटर पिलाई, तोरा के स्विट्जरलैंड घुमाई। हाँ मौसी, मुद्दा तोहरा के हमार मेहरारू श्रीमती टीबी तिवारी, श्रीमती टीबी तिवारी के वोट दिए के परिपास। अरे थू, हमरी जूती, हम मर जाएंगे मरते तो, मगर तू जैसे को छट्टी का दूध याद दिलाकर। समझती काहे नहीं है खड़ेश्वरी मौसी, तोरा के मार के, तोरा के काट के, छोटे छोटे बारीक बारीक, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके, तुरा का कीमा बना के, ओकरा पका के, बकरे के गोश्त की जगह लोगों को खिला दे, तू समझते काय को नहीं है? अरे कीचड़ के झोंक, काट के दीमक, कुत्ते के अटघोड़वा, अरे घोड़े के चीचड़, सर की जुइया, अरे खून चूसने वाले, हम जनता जनार्दन का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। अबे चिकुआ, इसके भेजे में भूसा भरा है, भूसा। काहे बुझती नहीं है, काहे बुझती नहीं है ये? काहे अपना क्राम काम करवाने के चक्कर में पड़ी हो तुम? ना मर जन्मी हो, ना मरती रहो, नहीं तो राजनीति के चक्कर तले चक्कर गिन्नी बन जाओगी, चक्कर गिन्नी। अरे किसको नामर्द बोलता है रे? नामर्द तू, तेरा खानदान, तेरा धर्म, तेरा ईमान। महामर्द बने घूमता है ना, काहे बंद करके रखा है हमको इधर? बस सरकार बस, इस मांस के पहाड़ को अब झटका करें या हलाल। अरे तू का हलाल करेगा? हमको तो ऊपर वाले ने हलाल करके पैदा किया है। लेकिन तुम सब लोग एक ही झटके में इतने जल्दी नामर्द कैसे हो गए रे? जाग जाग रे नर नारायण, जाग। अरे आंखें खोल, खोल अपनी आंखें। क्या लेकर आया था और क्या साथ लेकर जाएगा? ए मौसी, हमें जागने के लिए कहत रही तुम, अब ऐसे जगाएंगे तो तोरी नानी आता जाए। ए चिकुआ। जी सरकार। बहुत सहली है, तनिक जगा दे इसे। जी सरकार। मौसी देख मुझे, क्या खूबसूरत लग रही है। देख मौसी, हम भोरे 4 बजे आए थे
पूरे 4 बजे जवाब में हमें हाँ दियो, नहीं तो हम टेढ़े उंगली से घी निकाले जाना था। चलना चिकवा, चल। कैसी आवाजें आ रही हैं सर? कलम होगी आपके पास, लाइए। मुड़िए जरा मोबाइल तो दें। हाँ। चले सर। नीनाचीज को इंस्पेक्टर भारत कहते हैं, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लेकर धावा बोल दीजिए। जी सरकार कहां पागल बनी, कहां पागल बनी, ऐसा पीटा हूं कि खून की नदियां बह जाए। सरकार खून की नदियां बहाना बहुत आसान है सरकार, किसी के आंसू पहुंचना बहुत मुश्किल है सरकार, बहुत मुश्किल। कौन है तू? सरकार माई बाब, इंस्पेक्टर भारत कहते हैं नाची इसको, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं। ऑफिसर ऑन स्पेशल टास्क। तो यह क्या करता हूं? वो कहते हैं ना कि अपराध का और सुराग सानी का चोली दामन का साथ होता है। भारी लागे है का? हाँ? जानत नहीं किससे बात कर रहे हो? हम है टीवी तिवारी, जानत है कि नहीं? जानत है तिवारी जी, जानत है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराधी के साथ जिसके थोपड़े पे 27 जुर्म पहले से चिपके हुए हैं, आज 28वां चिपक जाएगा। क्या मतलब है तोरा? खडेश्वरी मौसी, का पकड़ पकड़ कर रहा है तो? हाँ, ये जेल हमारे लिए क्राइम स्कूल है और हम यहाँ के हेड मास्टर वा। गलत,
टीबी तिवारी, दुनिया में जब कहीं एक स्कूल खुलता है तब जाके एक जेल बंद होता है। तू इस बार लंबा नप गया रे। तू ये बात नहीं मानेगा। हाँ अभी देख दिखाते हम। ए चिकवा, चिकवा कहाँ मर गया तू चिकवा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यहाँ देख, देख हमारी तरफ। इंस्पेक्टर भारत, गोली मार के ये जेलवा में घड़वा देंगे तुझे। चलाई गोली? तो हमारी बात नहीं मानेगा तो ई ले, चलाइए चलाइए। अरे बुर्बक, हिंदी पिक्चर देखता है? ये रही गोली? ये क्या चक्कर है? है ना जादू, रात मालिश कर रहे थे ना, बस गोल कर लिया। शहर के मेजर अपराध शाखा के सुराग पर पुलिस राज्य जेल के बैरक बी से खड़ेश्वरी देवी को बरामद किया। जेल अब बर्खास्त, टीबी तिवारी पुलिस रिमांड पर। जेल से आपराधिक संचालन, ये थी कुछ सुर्खियां। अब एक मुलाकात खड़ेश्वरी देवी के साथ। अब आप आजाद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उस अनाम ऑफिसर को दुआएं देना चाहती हूँ कि दूधो नाव पूतो फलो, जिसने मेरा संदेश समझा और मुझे छुड़ाया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। भाई चारों तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ हो रही है, बधाई हो इंस्पेक्टर भारत। कमिश्नर साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई। इंस्पेक्टर भारत, खड़ेश्वरी देवी को किडनैप करके जेल में राशन ढोने वाले टेम्पो से जेल में पहुंचाया गया जी, और इस बात का सुराग लगने पर आप दोनों को जेल में प्लांट किया गया, करेक्ट जी। मगर ये बताइए, जेल में खड़ेश्वरी देवी कहाँ है, इस बात का पता आपने कैसे लगाया? सर ये मुझे खुद मौसी ने बताया। वो कैसे? इसे मोर्स पद्धति कहते हैं, टेलीग्राफिक संदेश। इसकी एक खास लैंग्वेज होती है सर। अब चूंकि मौसी अपने पिताजी के साथ 15 साल तार घर में रही, तो वो इस टेक्निक से पूरी तरह वाबस्ता थी। अच्छा, इस पर मास्टरी थी उसे। जब उसे पता चला कि वो बाहर निकल नहीं सकती, कोई और रास्ता बचा ही नहीं, तो उसने अपने पैरों से ये साइन किया, SOS, सेव अवर सोल, त्राही माम। बस मैंने ये लैंग्वेज पकड़ी और मैंने मौसी को बचा लिया। वेरी गुड इंस्पेक्टर भारत, आप अच्छा दिमाग लगाए, खड़ेश्वरी देवी ने भी। अब ये बताइए कि कौन कहता है कि किन्नरों के पास दिमाग नहीं होता? वन मिनट। हेलो जी, नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था, यही है। एक मिनट मिस्टर भारत, आपको फोन। जी कहिए। खड़ेश्वरी देवी जी, मौसी जी, कैसा लग रहा आपको? भैया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप मेयर बन गई। ना 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 ना, मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, कल दोपहर का खाना आपके यहाँ। ये क्या कह रही हैं आप? आपको विश्वास नहीं था कि आप बच पाएंगी? खड़ेश्वरी देवी जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। सत्यमेव जयते।